बड़े हो जाएंगे तब मुझसे शादी करोगी ना शिज़ुका? करूंगी नोबिता, चलो प्रॉमिस करते हैं। ला 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 ला। अबे एक मिनट, ये शिज़ुका तो बड़ी हो गई लेकिन तुम वहीं का वहीं क्यों रह गया डोरेमोन? और मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि इनको इतनी भी क्या जल्दी थी भाई शादी करने की, मतलब तुम्हारी कौन सी उम्र निकली जा रही थी यार? 2021 में अभी ये लोग बच्चे थे और 2 साल बाद 2023 में ये बड़े भी हो गए। अरे नहीं नहीं, तू नहीं भाई, तू तो अभी भी नहीं हुआ। मतलब सीरियसली भाई, इन दोनों की जोड़ी देखकर तो ऐसा लगता है जैसे कि ये बंदा अपनी मम्मी से शादी कर रहा है। 2 साल में ये लड़की आंटी बन गई है। और इन भाई साहब को देख लो, इनको अभी तक प्यूबर्टी हिट नहीं हो रही। इस बार 2023 के वेडिंग सीजन में हमारे देश में लगभग 38 लाख शादियां हुई हैं, 38 लाख। और मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि इस 38 लाख में से सिर्फ गिनती के 1-2 जने ऐसे होंगे जिनकी सच में शादी होनी चाहिए थी और उनकी गलती से होगी होगी, नहीं तो हमारे देश में या तो ये रिटायर हुए बुड्ढे शादी कर रहे हैं या फिर ये नन्हे मुन्ने बालक। सॉरी, ये तो मैंने गलती से राजस्थान का कल्चर दिखा दिया था, इनका यहाँ तो ये सब नॉर्मल है, मैं तो इनकी बात कर रहा था। अरे बस कर भाई, उसकी मांग में सिंदूर भरना, उसके बालों को लाल कलर नहीं करना है। साला कीमत तो एक चुटकी सिंदूर की भी बहुत होती है और इन भाई साहब को किसी ने बताया नहीं मुझे लगता है, तभी इसने पूरी की पूरी सिंदूर की डिब्बी पलट दी उसके सर पे, और वो भी एक बार नहीं 2-2 बार। तभी कहते हैं बच्चे की शादी तभी करनी चाहिए जब वो समझदार हो जाए। नहीं नहीं, बच्चे की शादी तो करनी नहीं चाहिए। साला इसका तो अभी तक बचपन का होली खेलने का सपना ही पूरा नहीं हुआ। पंडित जी ने बोला ले बेटा सिंदूर, इसको अपनी बीबी के मांग में भर दे, और ये ना समझ बच्चा उस सिंदूर को लाल रंग समझ के अपनी बीबी के सर पे होली खेल रहा है। इस बच्चे की इन हरकतों को देखकर मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इसने सुहाग रात पे क्या किया होगा। वाह, इसके हाथ में भगवान ने सोने का लोटा दे दिया है, लेकिन फिर भी इन भाई साहब को रीली बनानी है। अरे बेटा, रात का समय है, तेरे पास बेड है, बेड पे तेरी बीवी बैठी है और तुझे इस सिचुएशन में भी रील बनाने की पड़ी है। सो जा बेटा, तू सो जा, रहने दे, तेरे बस की ना, तू रहने दे यार। अरे बस करो यार, बस करो, मुझे लग रहा है इन लोगों ने शादी करी रील्स बनाने के लिए है, क्योंकि आजकल मार्केट में वैसी वो नई स्कीम आई है, अगर कोई भी दो बच्चे शादी करते हैं तो पूरी दुनिया की ओर से उनको दहेज में मिलते हैं ढेर सारे व्यूज। साला हम इतनी मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, हमें कुछ नहीं मिलता है, लेकिन अगर कोई भी निब्बा निब्बी शादी करके उसकी वीडियो बना ले, उसका ब्लॉग बना के अपलोड कर दे, तो उसको व्यूज की वो छार हो जाती है। और होता क्या उनकी वीडियो में? कुछ भी नहीं। यही वीडियो देख लो ये औरत की, साला अपने पति की उम्र से ज्यादा भारी तो इसने गहने पहन रखे हैं, और इसकी शक्ल पे फोकस करो। तो मुझ जैसे 10 गरीबों का पेट भर जाए। आई एम बैक। कहां से? अपने ससुराल से? अपनी बीवी को छोड़कर आ रहेगा वहां पे? क्योंकि ये तेरे अकाउंट पे एक इकलौती ऐसी रील है जिसमें तू अकेला घूम रहा है बिना बीवी के। या तो इस बंदे को अपनी शक्ल पे बहुत ज्यादा भरोसा है, या फिर इसकी दीदी इसकी बीवी इसको अकेले को इंस्टाग्राम चलाने नहीं देती होगी। मुझे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा है, इसको अकेले को गाड़ी किसने चलाने दे दी? बेटा लाइसेंस है आपके पास? मानना कि ये गाड़ी आपको दहेज में मिली है, लेकिन चलान उसका भी होता है। साले ये रील वील बनानी छोड़ और पहले जाके अपने 10वीं के पेपर दे ले, क्योंकि आजकल तो उसके बिना ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं बनता। सही बात है, कभी नजर ना लग जाए तेरी मुस्कान। अबे एक मिनट, पीछे जा, ये पहन के रखा है भाई तूने, कतई ड्राइवर लग रहा है। ओए होए। नहीं वैसे हमारे यहाँ के ड्राइवर भैया का ड्रेसिंग सेंस तो इससे बढ़िया ही है। लेकिन भाई तू क्या बन रखा है ये, और एटीट्यूड तो ऐसे दिखा रहा है जैसे कि पार्टनर मूवी का गोविंदा लग रहा हूं है। मैचिंग पैंट शर्ट, वो भी ब्राउन कलर की, और पैंट के आगे जो इसने गाड़ी की चाबी लटका रखी है, और गले में जो ससुर जी ने शादी में चेन गिफ्ट करी थी सोने की, ओए, और जो इसने बालों पे बवासीर फैला रखी है, उसके बाद तो टोटल सिचुएशन ऐसे लग रही है जैसे कि ड्राइवर भैया अपनी बड़ी दीदी को विदाई दे रहे हैं। दुनिया दी करी ना कोई मिन्नत मैं,
रब तो सी मंगी। रहने दे भाई रहने दे, इससे अच्छा तो वो ड्राइवर के कपड़ों में लग रहा था। शर्ट पहन ले जाके यार अपनी, इससे पहले कि मेरा मूड खराब हो और मैं तेरी और बेइज्जती करूं। साला मुझे तो लग रहा था इसके सिर्फ फेस पे बाल नहीं आ रहे हैं, लेकिन इसकी तो पूरी बॉडी पे बाल नहीं है। ओह बॉडी बोल दिया मैंने, बॉडी तोड़ी है इसकी, साला बिन बालों वाला भालू लग रहा है एकदम। अबे कहीं तो रुक जा, साला बाल कटवाने गया वहां पे भी जाके इसको रीली बनानी है। और बेटा अगर नाई के पास गई हो तो दो चार बाल अपने मुंह पे भी लगवा लेना, ताकि अगली बार जब अपनी बीबी के साथ खड़ो तो उसका छोटा भाई नहीं उसके हस्बैंड लग सको। और अब जरा इस रील का एक बार कैप्शन चेक करो, जाट रूबी कॉर्न। बेटा रूबी कॉर्न गाड़ी है, पॉपकॉर्न नहीं है, वो खाने वाली चीज नहीं है। साला इसको इतना नहीं पता है, लेकिन खैर छोड़ो हमें उससे क्या, इसकी अंग्रेजी देख के इतना तो पता चल गया कि जो इसके हाथ में ये आईफोन है ये इसको अपनी बीबी के साथ दहेज में मिला। और जहाँ तक रही इंग्लिश की बात, एक बार इसकी प्रोफाइल पढ़ लो, मेरी हर एक दुआ में मेरी हर एक यादों में बस तुम लवली आयुचियाडी हो मेरा सड कुछ सैड कुछ तू है बच्चा। पहली बात तो बच्चा वो नहीं, बच्चा तू उसका लगता है, और दूसरी बात सैड कुछ, वैसे यहाँ पे लिखना सब कुछ चाहता था, लेकिन इन भाई साहब को बी और डी में डिफरेंस ही नहीं पता। और ये तो कुछ भी नहीं, थोड़ा सा नीचे आओ, मैरिड की स्पेलिंग चेक करो। साला इसको ढंग से मैरिड तक लिखना नहीं आ रहा, और इस बंदे की भी मैरिज हो गई है। और जरा हमको देख लो, साला क्या फायदा यार इतने पढ़ाई लिखाई करने का। अरे ठीक है भाई, मान गए यार कि तुम्हारी शादी हो गई है, तुम्हें अपनी बड़ी दीदी जैसी बीवी मिल गई है, लेकिन अब अपने अकाउंट पे उसकी वीडियो डाल के नीचे दिल लगा के क्यों वीडियो डाल रहे हो यार, मतलब इसकी जरूरत ही क्या पड़ रही है यार तुम्हें, क्यों कर रहे हो ये। जली ना, तेरी भी जली ना। अरे नहीं नहीं भाई, मैं क्यों जलूं इससे, ये कौन सा मेरे मामा का लड़का है। हाँ वैसे मामा के लड़के की भी पिछले हफ्ते सगाई हो गई है, मुझे तो लग रहा है यार मुझे अब इनसे कोई डील करनी पड़ेगी। मेरी बहन से शादी करेगा, मुझे 5 लाख रुपए कैश देंगे। मैं बैंक में जॉब करती, 35,000 रुपए कमाती हूँ, और जो भी लड़का मेरे से शादी करना चाहता हो वो कमेंट में अपना नंबर और फोटो। अरे एक मिनट आंटी जी, आप जरा साइड में हटिए। बेटा पहले तो तू मुझे ये बता कि तू बड़ी बहन बता के अपनी मम्मी की दूसरी शादी क्यों करवा रहा है, साला उम्र देख रहा है उनकी, और फिर कह रहे कि हम 5 लाख देंगे। अरे तू 5 लाख छोड़, उस 5 लाख में से ना 2,000 रुपए निकाल के अपनी ये मौसी के चेहरे पे ना मेकअप चढ़वा लियो, कोई ना कोई बकरा वैसे ही फंस जाएगा। और जो बाकी के 4,98,000 बच रहे हैं उसमें से 2 लाख का अपने मुंह पे प्लास्टिक सर्जरी करवा लियो, और जो बाकी के जो बच रहे हैं वो मेरे अकाउंट में डलवा दियो, क्योंकि आइडिया देने के मैं भी तो कुछ लूंगा ना। सब क्या माल है। अरे अरे नहीं 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 यार सॉरी, ये क्लिप तो इस वीडियो के लिए नहीं थी, ये तो मैंने अपने लिए लास्ट ऑप्शन बचा के रखा था। नॉटी हो रहा।